न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। खबर है अंजड़ से, जहां पारिवारिक विवाद में फालिया मारने से घायल हुआ युवक। युवक को लाया गया अस्पताल। जी, अंजड़ पुलिस द्वारा सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार शिवालय मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय युवक से दो लोगों द्वारा कथित रूप से मारपीट कर गंभीर घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साहिल पिता बशीर उम्र 19 वर्ष को अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर अरविंद पिपलिया द्वारा बताया गया कि उसके हाथ पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। युवक को चक्कर भी आ रहे थे, जिसका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से अंजड़ थाने में इसकी तहरीर दी गई है। युवक साहिल ने उसके भाई शादाब के साथ आने पर पहुंचकर दो युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वे उसकी नानी के घर पर था, तभी फूट तालाब निवासी शिवराम लंगड़ा और राजेंद्र वहां आए और उनके द्वारा साहिल के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट कर फालिया मारकर घायल किया गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शिवराम लंगड़ा और राजेंद्र निवासी फुटला तालाब अंजड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जी, अभी एक पेशेंट साहिल पिता बशीर 19 साल का लड़का अस्पताल आया एवं देखा गया कि उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं ना, सर पर एवं उसके लेफ्ट हैंड पर डॉर्सल साइड पर चोट के निशान थे जो थोड़े से गहरे नज़र आ रहे थे उनको, और उसे चक्कर और हेडेक भी काफ़ी हो रहा था, उसे ट्रीटमेंट दिया गया। अभी वो स्टेबल है, परंतु आगे के इन्वेस्टिगेशंस के लिए और फर्दर स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए हमने उसे हायर सेक्टर जिला अस्पताल बढ़वाने की ओर अभी रेफर कर दिया गया। अच्छा, वो उन्होंने क्या एफआईआर करवाई है थाने में? जी, इसके मुझे जानकारी नहीं है, पर हमारी ओर से प्री एमएलसी जारी कर दी गई है एवं पुलिस थाना अंजड़ की ओर भेज दी गई है।